सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम देखें किस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक डीमैट अकाउंट किस तरह से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सो देखा जाए तो प्रोसेस काफी सिंपल रहने वाला है। डीमैट अकाउंट खोलने से पहले इसके ऊपर लगने वाली चार्जिंग के ऊपर ध्यान दें, जो कि आपकी स्क्रीन पे वीडियो पॉज करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि ये वीडियो हमारी इंडिया की बेस्ट डीमैट अकाउंट सीरीज का एक पार्ट है। देखा जाए अगर आप आपके पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको एक बढ़िया सा डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए जिसके काफी कम चार्जिंग हो। इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जहां पे जाके आप सभी डीमैट अकाउंट को कंपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे उससे आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करने में आपके सामने कुछ ऐसा फ्रंट पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन डीमैट अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने में आपकी डिटेल्स बने, जैसे कि हो गया आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और आपकी सीटी, और ऐसे करके आपको सबमिट कर देना। और यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा थैंक यू का। अगर देखा जाए तो आप जो कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो आपको कॉल करेंगे और आपके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे जो कि आपका नियर बाय ब्रांच है उससे। और जैसे कि उसमें कोई भी एक बंदा जो कि वहां पे काम करता है आपके घर पे आएगा और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ वेरीफाई करेगा और आपका एक डीमैट अकाउंट बना देगा। और आपके एक डीमैट अकाउंट बनने के बाद आपको जल्दी से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।